से भारत की जो समृद्धि है, भारत का जो विज्ञान है, भारत का जो ज्ञान है, वो ज्ञान विश्व तक जाने के लिए ये जैसे महात्मा गांधी ने किया था उसी पर आधारित ये कार्य हम सब करने जा रहे, और उस जगह से जहाँ हम लोग बंदिश थे आज वहाँ खुले, ये भारत देश का और भारत के प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा योगदान है, और उन्हीं के कार्य को हम लोग अचीव करने जा रहे, ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। सर, इतनी बड़ी व्यक्ति के बारे में अवार्ड करना, उनको याद करना आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट है, जो सर काम कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर? डॉक्टर गौरव ने जो आज इतना बड़ा कार्य हाथ में लिया है, इसके पीछे देश के माने हुए लोग आज इसको अचीव करने जा रहे हैं, और इसमें लोगों को इतना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिलेगा, और वो भी लंदन के पार्लियामेंट में मिलेगा, जो कभी इजी व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। ऐसे जो इतने महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका कार्य और गौरव ने देखा, उसके बाद ही उनको ये देने का निश्चय हुआ। आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी प्राउड कि गुरुजी ने अपना टाइम दिया और अपना आशीर्वाद दिया कि मैं खुद लंदन आ रहा हूँ इस अवार्ड को लेने के लिए। और सबसे प्राउड फील तो यार ये है कि पूरा वर्ल्ड इस समय जो ये हमारा अयोध्या वाला प्रोग्राम होने वाला है, ये ऐतिहासिक एक मूवमेंट है जो शायद कभी दोबारा नहीं होगा। उसकी मिट्टी गुरुजी हमारे साथ लेके लंदन आ रहे हैं, और वो मिट्टी तकरीबन 100 लोगों के साथ हम शेयर करेंगे जो हवन कुंड में हमारे साथ बैठने वाले हैं, और हम महा मृत्युंजय जो यज्ञ कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी यूनिक। तो वो सब आई थिंक, पता नहीं, भगवान शायद अपने आप ही करा रहे हैं। आई विल से दिस कि मैं तो नहीं कर रहा, ये भगवान अपने आप कराता है। भगवान ने गुरुजी से मिलवाया और हमारा ये पूरा प्रोग्राम बना कि ऐसे ऐसे करते हैं, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस। गुरुजी थैंक यू सो मच इस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए। आशीर्वाद आपका हमेशा चाहिए और रहेगा भी। और BBMG की जर्नी, वी एक्चुअली हैव स्टार्टेड फॉर द डॉक्टर्स, कि हम डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो डॉक्टर, सो आई हैव स्टडीड फॉर द डॉक्टर्स, कि हम हिंदुस्तान के डॉक्टर्स के लिए कुछ ऐसा करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि लोग उन्हें इंडिया तो जानते हैं, दे शुड नोन इंटरनेशनली। लेकिन वो फर्स्ट ईयर में विजन था डॉक्टर्स का, सेकेंड में विजन आया कि हमें अब ट्रेड कोलेबोरेशन में साथ देना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस होता है, एंड बिजनेस इज नॉट ओनली हैपनिंग फ्रॉम टुडे, इट्स हैपनिंग फ्रॉम डिकेड्स। तो लेट अस डू समथिंग कि हमारे इंडिया के लिए बेनिफिट हो, जो हमारे UK में जो हमारे इंडियंस हैं, NRIs हैं, लेट दे शुड बी बेनिफिटेड टू दिस ट्रेड। तो आज एंटरप्रेन्योर सेक्टर, ट्रेड, डॉक्टर्स, कम्युनिटी, फिल्म इंडस्ट्री, अभी अनिल शर्मा जी आ रहे हैं 5-10 मिनट में, तो गदर मूवी ने गदर मचा दिया। तो यू नो, हमारे इंडिया में हर इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेरी वेल नाउ। तो अगले 10 साल इंडिया के हैं, जो सभी जानते हैं, बिकॉज ऑफ आर पॉपुलेशन एंड नाउ मेक इन इंडिया प्रोसेस इज गोइंग सो वेल एंड सो फास्ट। तो गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा तो हम हर जगह पहुँच जाएंगे यार। एंड हम लोग ये 22-23 कंट्री में कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लंदन, वी आर गोइंग टू अमेरिका, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया। और बहुत बड़ी बात है कि इसी साल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इज़ कमिंग टू लंदन, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज़ गेटिंग अवार्ड, एजुकेशन मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, ऑल हैपन बिकॉज ऑफ अ गुड टीम। और थैंक्स राघवेंद्र भाई फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ कनेक्शंस, क्योंकि बूंद बूंद से, एंड हरजीत जी थैंक यू सो मच, बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये सारी बूंद हैं जो एक साथ मिली और एक सागर बना। सर, अयोध्या जाने वाले आखिर में जानना चाहूँगा, सर क्या कहना चाहेंगे, उस बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 22 तारीख को जो है दिवाली की तरह मनाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे सर, आपको वहाँ पर विटनेस होने वाले हैं? जी जी, इस कार्यक्रम में मैं होगा, और भारत के देश के सभी लोग तो आए रहे, लेकिन उसके साथ साथ पूरे विश्व से संत भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, सनातनी भी आ रहे हैं, ऐसा कोई ये नहीं है जगह की जिसके लिए इंतज़ार करें। हम सब उस क्षण को अचो करने के लिए देखें, क्योंकि उस समय राम जी थे, और इस समय राम जी का मंदिर निर्माण हुआ है और उनको स्थापित हो रहे, इसके जैसा और कोई दिवाली नहीं है। पहले नववर्ष की शुभकामनाएं, और बस मैं यहाँ आया हूँ, और ये भारत भाग्य विधाता महात्मा गांधी अवार्ड, जो BBM अवार्ड है,
उसके लिए मैं बधाई देता हूँ सबको, और मैं थैंक यू वेरी मच इन्होंने मुझे इनवाइट किया है लंदन के लिए और आज यहाँ शाम के लिए भी, तो अब इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कोशिश करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आप BBM अवार्ड को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ ये काफ़ी आगे तरक्की करें और सब कुछ बहुत अच्छा हो। थैंक यू। मुझे विश्वास है कि अनिल जी जरूर आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम उनके साथ हैं और उनके परिवार में भी हमारी बहुत सारी ब्लेसिंग है, इसलिए विश्वास देते हैं कि उनके पिताजी ने कभी मेरा टाला नहीं था तो ये भी नहीं टालेंगे। जी थैंक यू गुरु जी, मेरा काम आसान कर दिया आपने। थैंक यू अनिल जी वंस अगेन यहाँ आने के लिए, और एक गदर का गाना चलाया जाए, गदर मूवी कम ऑन यार, जस्ट प्ले अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। देखो भारत क्या करता है, भारत भाग्य बदल देता है। तो विजन शुरू हुआ था डॉक्टर्स के साथ, वहाँ जाके लगा कि अभी इसमें बहुत कुछ करना है। करना क्या है, जो हमने डॉक्टर्स के साथ शुरू करा, एंटरप्रेन्योर्स आए, ट्रेड शुरू करा, कोलैबोरेशन शुरू करा, तो विजन कहते हैं ना, समुंदर बूंद बूंद से चलते रहे और समुंदर बन गया। तो विजन इज़ वेरी क्लियर कि इट्स नॉट ओनली लंदन, वी आर गोइंग टू रीच 23 कंट्रीज पार्लियामेंट्स, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के इंडियंस हमारे भाई वर्ल्ड वाइड रहते हैं उन सबको जोड़ना है, हिंदुज़म का पाठ हर जगह पर्चा फहराना है, और दुनिया में ये बिलीव कराना है दैट हिंदुज़म इज़ द बेस्ट एंड द ओल्डेस्ट एंड द एक्सेप्टेबल थिंग इन द वर्ल्ड, जो कि अब शायद होने जा रही है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल फॉर ऑल माई फ्रेंड्स सबॉर्डिनेट्स जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट अपना साथ दिया, सहयोग दिया, और भारत भाग्य विधाता महात्मा गांधी अवार्ड आज जिस लेवल पे जा रहा है, अगले 5 साल में इट विल बी समवेयर एल्स इन अ बिग पोजिशन, और यू विल बी हैप्पी टू नो कि इंडिया में 12 धर्म गुरु हैं जो टॉप के गुरुज हैं, जिनके बिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो 12 के 12 भारत भाग्य विधाता के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, दैट्स समथिंग रियली एक्साइट अस टू आवर जर्नी टूवर्ड्स दिस वे। क्या मैसेज होगा उसके लिए और क्या कहना चाहेंगे उनको और कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे लोग आपको? विजन बहुत क्लियर है दैट वी वांटेड टू कनेक्ट विद यूथ एंड से कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जो भारतीय सभ्यता है अभी भी जिंदा है, और उसका जो एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, जो अभी राम मंदिर में प्रोग्राम होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है बाय द नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और भारत भाग्य विधाता महात्मा गांधी जी का जो सपना और विजन है वो भी यही है कि हम हर साल मैक्सिमम लोगों को जोड़ें जो दुनिया भर में जुड़े हुए हैं, और कनेक्ट होके कुछ ना कुछ ऐसा करें इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वेयर वी सपोर्ट आर इंडियन पीपल इन ओवरसीज। दैट्स व्हाट आवर विजन इज़ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में एजुकेशन में, टेक्सटाइल में, ट्रेड में वी विल बी कनेक्टेड विद एवरीवन। Thank you guys, all of you, for taking time and giving your energy and everything. Thank you. For me, it is an honor to be here. For me, it is an honor to be here to be present for the BBMG award function. As I told in my speech, that always the sportsmen get the mileage. The people behind, there are a lot of people who work, especially the parents, the coach, and I being the parent and the coach of Jemima Rodrigues, it's a pleasure for me to be here and an honor to be here. मैं डॉक्टर हरजीत आनंद हूँ और गौरव जी के साथ अभी हम जुड़े हैं। आई एम पार्ट ऑफ दिस अवार्ड, भारत भाग्य विधाता महात्मा गांधी अवार्ड, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया जा रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए कई जन्म लगते हैं। आई विल कॉन्ग्रेचुलेट गौरव कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोग्राम कर रहे हैं, और आज की जो गैदरिंग हुई है उसमें काफ़ी बॉलीवुड के लोग भी आए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए, IPS, IRS, हर किस्म के सेलिब्रिटी थे यहाँ पे, और हमारे जॉर्जिया के
कौंसल जनरल जो हैं जॉर्जिया के, और उन्होंने बहुत बड़ी जब ये सब गैदरिंग देखी और एक ऊर्जा बनी, गुरुजी भी थे, तो इन्होंने भी ऑफर किया है कि गुरुजी को लेके आप जॉर्जिया पार्लियामेंट में कोई प्रोग्राम पार्लियामेंट में करना। पार्लियामेंट की वैल्यू हमको मालूम है, कितने जन यहाँ दिल्ली पार्लियामेंट में गए होंगे, वहाँ अवार्ड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आहूजा साहब ने भी ऑफर किया है कि ब्रिटिश अपने जो जॉर्जिया पार्लियामेंट में आप सिमिलर अवार्ड करो, इंडिया को लेके आओ, क्योंकि आज इंडिया की इतनी इम्पोर्टेंस हो गई है। जैसे पहले जाते थे तो इंडियन पासपोर्ट को बड़े ध्यान से देखा जाता था, आज इंडियन पासपोर्ट को आज यूरोप में चले जाओ तो नमस्ते बोलते हैं पहले, और फॉर्मेलिटी होती है और एक ठप्पा होता है, बाकी सबको अलग से। तो दैट इज़ दी पीआर बोल लो, या जो इमेज बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड में इंडिया की हुई है बहुत अमेजिंग हुई है। और भारत भाग्य विधाता जो ये इंटरनेशनल अवार्ड है, ये यूके के बाद में जॉर्जिया जाएगा, अमेरिका जाएगा, ऐसे मेरे ख्याल से कार्बन चलता रहेगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, देर आर फ्यू कंट्रीज हु हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड देम, जैसे इंडिया है, भारत है, ब्रिटेन का भी एक हिस्ट्री है। उस पार्लियामेंट में अगर अवार्ड लेंगे, वो वेन्यू में अवार्ड लेंगे जहाँ अम्बेडकर ने बैठ के बाबा साहेब अम्बेडकर ने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की देन की वजह से, अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन की देन की वजह से आज पूरे कंट्री के लॉस चल रहे हैं। वैसे ही गांधी जी को वहाँ सम्मानित किया गया है। सी दैट वेन्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वहाँ पे अवार्ड मिलना, ये बड़ी ऑब्वियसली बहुत बहुत सम्मान की बात है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इंडिया को पहले लोग 10-20 साल पहले, आज तक लोग सोचते थे कि यहाँ के सड़कों पे हाथी घूमते हैं, या इट्स अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। हालांकि वैसा नहीं है, वी आर नेक्स्ट, यू नो, वी आर सून क्रॉसिंग द 3 trillion इकोनॉमी, एंड नेक्स्ट 10 years वी आर क्रॉसिंग 8 trillion इकोनॉमी। सो दिस इज़ इट्सेल्फ अ बिग थिंग। और यहाँ के लोगों को, अब वहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग वहाँ आए। देखिए, दुनिया में हर कंट्री को रिसेशन ने हिट किया, हमको हिट नहीं किया, वी आर हिट द लीस्ट। सो दैट मीन्स दैट मनी इज़ देयर विद अस, सो वी आर नॉट बेगर्स। पहले जैसे बोलते थे कि एक ज़माने में डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड ऑन ट्रेन, ये लिखा गया था। टुडे वी आर द गिवर्स। तो आज हमारा हाथ ऐसे है, ऐसे नहीं है। सो दिस, यू नो, एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इट इज़ द कंट्री पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने भारत का भाग्य लिखा है। ये अवार्ड का और एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इस अवार्ड ने सारे सेक्टर के लोगों को रिकग्नाइज किया है। इनफैक्ट CM ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन गिवन एन अवार्ड। यू विल, यू नो, टुडे CM इज़ नॉट हियर, बट हिज उनके जो नेफ्यू हैं, ही इज़ हिमसेल्फ हियर। सो यू नो, आई विल कॉल हिम ऑन दिस स्टेज एज वेल। सो ही इज़ देयर। एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड। इनफैक्ट स्वच्छ भारत अभियान के अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्वच्छता मॉनिटर 2023 ये शुरू किया है, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर इज हियर। सो दीज आर द पीपल हु आर बीइंग फेलिसिटेटेड। इन लोगों को जो ऑनर दिया जा रहा है, दिस इज़ अ बिग थिंग, एंड दिस विल बूस्ट द मोरल ऑफ एवरी पर्सन हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। I am Mr. Satinder S. Ahuja, the Honorary Consul of a country called Georgia. This is the Republic country. I am highly, highly impressed with the BBMG taking up this onus of giving the awards to the achievers in a country, in a third country, which ruled us for so many years. It is a matter of a great honor and a big achievement, I would say, for Dr. Gaurav Saab to have done this and achieved it, and we all wish him the best. And as I have said, that we would like to host the award in Georgia Parliament very soon as it is convenient. And I want to add that this Mahatma Gandhi ji's sculpture has been inaugurated in Georgia, which is a very small country. The foreign
एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज देयर टू इनॉग्रेट महात्मा जीज स्कल्पचर. सो दे ऑल्सो बिलीव, वी ऑल्सो बिलीव इन फ्रेंडशिप, पीस एंड हॉस्पिटैलिटी. जिस तरह हमारे देश में कहा जाता है कि अतिथि भव, सेम इज़ द फिलॉसफी ऑफ जॉर्जियन. दे वेलकम द आउटसाइड पीपल विद ओपन आर्म्स एंड एम्ब्रेस. आई विश ऑल द बेस्ट टू BBMG एंड वी ऑल वुड लाइक टू वर्क टुगेदर टू प्रमोट. इस अवार्ड के साथ एक्चुअली क्वाइट अ फ्यू इयर्स आई बीन एसोसिएटेड विद दिस. नाउ दैट महात्मा गांधी अवार्ड है एंड इट्स बीइंग हेल्ड इन लंदन, सो इट्स रियली एन ऑनर, स्पेशली फॉर द मेडिकल फ्रेटर्निटी. एटलीस्ट वी आर बीइंग रिकग्नाइज्ड, मेडिकल डॉक्टर्स आर बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर द अवार्ड एंड इट्स एन रियली एन ऑनर. See, as I said, we are also entering into medical sector for the healthcare industry. So Dr. Manu is very well example, because our vision is to promote our healthcare and to connect with their healthcare together. So is saal ek collaboration ho raha hai Indian Medical Fraternity ka with the NHS London, jo ki apne aap mein first time ho raha hai. Ek alag aisi journey shuru hone wali hai jisme kuch aisi bimariyan, kuch aisi research jo hamare doctors ne kari हमारे इंडिया में, बिकॉज हमारे इंडिया में जितने पेशेंट्स हैं यू वॉन्ट फाइंड एनी वेयर इन द वर्ल्ड. दे आर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ग्लोबली, तो वो हम इस साल करने वाले हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इन फोर ईयर्स अ डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस, अ डॉक्टर्स मेडिकल कॉन्फ्रेंस वेयर डॉक्टर्स इज स्पीकिंग द प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, केस स्टडीज विद द NHS डॉक्टर्स एंड द डायरेक्टर्स. समथिंग वेरी यूनिक, वेरी गुड ideology wise. So thank you sir for being a part of this award show, and I hope is saal London, next year we are going to America, US, all the parliaments. So all doctor supports we have from India and will be definitely with us. Yeah. And something new in collaboration, something new, some new research, something develops will be good for the patients, ultimately for the Indian community. So it's a nice moment forward. जी एक्चुअली मैं सबसे पहली बार डॉक्टर गौरव जी से 2018 में कोविड में मिले, तो तब ये कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने सुना था. काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है सारी चीज़ें, तो और ये किसी भी इंडियन के लिए, जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ, हर इंडियन के लिए जब पहली बार कोई सुनेगा कि लंदन पार्लियामेंट में एक शो हो रहा है, किसी के लिए एक प्राउड मोमेंट रहेगा. और मैं इसका हिस्सा हूँ, जब उन्होंने बताया कि आप जुड़ जाओ हमारे साथ, तो मैं अभी प्रोडक्शन हेड हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है सुन के और महसूस करके सारी चीज़ें. और इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए मैं डॉक्टर गौरव जी को थैंक यू कहता हूँ बस. उन्होंने मौका दिया ऐसे अच्छे काम के साथ जुड़ने के लिए. थैंक्स विराज. ये हीज इन टू आर प्रोडक्शन, जो हमारी कहते हैं ना बैकबोन, तो विराज धवन जो हमेशा साथ रहा. और कहते हैं ना कि समुंदर में लहरें तो बहुत आई, लोग आए और चले गए, ये वो लहरें हैं जो हमेशा रही. तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज एज ब्रदर, एज फैमिली, एंड विल कंटिन्यू द सेम. थैंक यू सचिन. माध्यम से बोला था, मैं वापस से वही पोएम एक दोहराना चाहूँगा, ज़रा सुनना कि अगर गौरव जी का वर्णन करना है तो एक छोटे से रूप में करना चाहूँगा कि अयोध्या वाली दिवाली गुरु जी और हम सभी लोगों के लिए गौरव जी ने मंगवाई 56 भोग की थाली. गुरुजी ने कहा वो ले जाएंगे लंदन अपने साथ अयोध्या की मिट्टी, अयोध्या का होगा उधर भी उत्सव. गुरुजी आप ही हो गौरव, और हमारे गौरव भाई ने बजाया BMG के थ्रू हमारे देश का गौरव.
So really a wonderful initiative you are taking, and wish you really all the best. Upcoming years, this event will be the rock style. Thank you, Sachin. बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है और गौरव जी ने जो इनिशिएटिव लिया है सारे फील्ड के लोगों को मोटिवेट करने का, उनको फैसिलिटेट करने का, क्या कहना है? दिस इज माई फर्स्ट ईयर मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, गौरव जी के साथ. मैं अभी जुड़ा हूँ गौरव जी के साथ. मैं पिछले 5 साल से हेमंत जी के साथ कनेक्टेड था. मुझे मालूम पड़ा इस अवार्ड के बारे में, तो मैंने बोला क्यों ना, जब सर ही इतना सबके लिए कुछ कर रहे तो क्यों ना हम कुछ सर के लिए करें. सो काइंड ऑफ यू. थैंक यू सर. तो इज़ वेरी हम्बल गाय, वेरी वेरी हम्बल गाय. तो हेमंत जी ने कुछ बोला, इन्होंने कहा सर इतना नहीं, हम तो इतना करेंगे. वेरी हम्बल पर्सन. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो. और मैं चाहूँगा कि अब जो यूनिटी है हमेशा बनी रहे. Sure, एक साथ. सी सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस वो है जिनके साथ मैं बैठा हूँ अभी. मुझे याद है मैं उनसे 5 मिनट के लिए मिलने गया था, लेकिन हम लोगों ने पूरी रात साथ में बिताई बातें करके, ऑब्वियसली सब जने. सो अभी आप सुनेंगे मुझे. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक्स विशाल. बिल्कुल, इन्हें एक ही लाइन कहना चाहूँगा, ना जा कहीं अब ना जा दिल के सिवा, ये मेरा दिल कूचा तेरा, ओ मेरे हमदम मेरे दोस्त ना जा. सो कहीं नहीं जाना है आपको, हमेशा साथ में ही रहना है. मैं इस पे कहता हूँ हम आ गए आगे आगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. करो क्वेश्चन तुम यारे. So I guess he has made a lot of contribution efforts to make this happen and working really hard through all his ups and downs. I mean, he's working really good to make it happen in London. So last year I was part of this. So I wish this year also it will be a grand, grand thing to happen. Yeah, one level of course. Thank you. Kamal ji. बहुत अच्छा लगा, इतना बड़ा इंसेंटिव लिया इंडिया से जाके पार्लियामेंट के अंदर यूके, जो लोगों ने 200 साल हम लोगों को राज किया वहाँ उनके पार्लियामेंट में जाके इंडिया के लोगों को सच में गौरव बढ़ा रहे हैं गौरव जी. और मेरा भी एक छोटा सा होटल है जो कि 50 लोगों को मैं वहाँ के गोरे लोगों को काम दे रहा हूँ लंदन के अंदर. बहुत बड़ी बात है. कोशिश कर रहे हैं कि 200 साल उन लोगों ने राज किया, आने वाली जनरेशन शायद अपनी जनरेशन होएगी जो कि वहाँ राज करेगी. भारी भारी बहुत बढ़िया. विजन इज वेरी हाई ना. देखो जिन्होंने हम पे 200 साल राज करा, हम उन पे 500 साल राज करेंगे. हाँ, और ये इतिहास बनने वाला है. करेगी क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद मिला है और जो सनातन का हम लोगों को चल रहा है वहाँ भी लोग मानते हैं. अभी काफ़ी चेंज हो गए. थैंक यू सो मच. आप ये हमारे बड़े भाई नहीं है, हमारे अंकल भी हैं. इनका आशीर्वाद एज ए एक फैमिली में होता ना किसी बड़े इंसान का आशीर्वाद लेना, तो थैंक यू सर आपका पूरा आशीर्वाद. तो मेरा